जैन दोस्तों, मैं आपका अपना गौरव राठी। तो भाई, एक तो यार बहुत सारे यार मेरे भाइयों को गलतफहमी हो रखी है कि भाई गौरव भाई ऐसे कर रहे हैं, ब्रेकअप कर ले, ये कर ले। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आज फिर से तुम्हारे भाभी के ऊपर प्रैंक कर रहा हूँ, तुम्हारे इतने मैसेजों के बाद। बट आज का प्रैंक बहुत अच्छा होने वाला है। जयपुर से आने के बाद उससे एक बार भी नहीं मिला हूँ, आज मिलूंगा। शायद थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो सकती है, लेकिन तुम प्रैंक देखना, एक नंबर का होने वाला है। ठीक है, अरे क्या हाल है, करवा रखी है मैंने दो बार। ठंड हो रही है हल्की हल्की, मीठी मीठी। अरे किसी से नहीं कर रहा, क्या होगा अब? व्हाट? हो गया होगा हफ्ता दो हफ्ता। मुझे हाँ भी नहीं दी। इतनी नाराजगी वाली बात है? हाँ है ना, कर लेंगे। भागा जा रहा हूँ मैं कहीं। ठीक, कब? अभी। कैसा रहा तुम्हारा बच्चा? हाँ जी दोस्तों, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि यार बहुत ही अच्छे नेचुरल मास गेनर के बारे में, जिसका नाम है भाई एक्यूमास, जो कि भाई बहुत ही अच्छा नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। चॉकलेट फ्लेवर में भाई, मतलब यार अश्वगंधा, शतावरी, कादरी, द्राक्षा जैसी 18 जड़ी बूटियों से मिलकर बना। मतलब भाई इतनी अच्छी बात है, 18 हर्ब से मिलकर बन रहा है भाई। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है ये भाई, उसको बिल्कुल भी हार्म नहीं करता, स्ट्रांग बनाता है। अरे मतलब जो इसमें हर्ब्स है ना, वो भाई हमारे इंटरनल सिस्टम को भी एकदम फिट रखते हैं, एकदम बढ़िया रखते हैं। और अगर हम वर्कआउट करते हैं यार, तो हमें एक बहुत अच्छी पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी एनर्जी वहाँ पर सारी लग चुकी होती है। यार इसमें हाई कैलोरीज है, जो कि भाई हमें एनर्जी देती है भाई। मतलब पूरे दिन यार काम भी तो करना है, उसके बाद एनर्जी खाली वर्कआउट ही थोड़ा करें तो भाई उसको फिलफिल करती है। उसके लिए सबसे अच्छी पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक है ये। यार अगर हम बाहर से कोई भी मतलब खरीदते हैं फूड सप्लीमेंट खरीदते, तो यार उसमें एक चीज़ होती है, मतलब हमें डर रहता है कि इसमें स्टेरॉइड होगा, इसमें यार बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में केमिकल होगा। तो भाई यहाँ बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और यार वो चीज़ें ना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को फर्क डालती है, मतलब उसको वीक बनाती है, आपकी बॉडी के इंटरनल बॉडी भी डैमेज करती है। तो भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल भी ऐसा हार्म नहीं करेगी और स्ट्रांग और बनाएगी। अरे मतलब नेचुरल मिनरल और न्यूट्रिएंट्स से मिलके बना है, नेचुरल मास गेन करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अरे हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको स्टेबलाइज रखती है, एकदम उसको स्टेबलाइज रखती है। और भाई जो मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसको ही, उसकी डेफिशिएंसी को फुलफिल करती है। और भाई मतलब हमारा जो नेचुरल मसल मास है और बोन मास है, दोनों को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से हमारा भाई वेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि बोन और मसल में दोनों में मास बढ़ेगा यार, वेट तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। पूरा इंडिया यार इसे यूज़ कर रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट में है यार, फटाफट जाके तुम भी खरीद। हाँ जी गाइस, तो हम इसको कैसे यूज़ करें भाई? एडल्ट्स के लिए 2 स्कूप 1 ग्लास में, और चिल्ड्रंस के लिए 1 स्कूप 1 ग्लास में। ठीक है, एडल्ट्स के लिए 2 स्कूप 1 ग्लास में और चिल्ड्रन के लिए 1 स्कूप 1 ग्लास में, और फटाफट जाके खरीदो। ओके, मिलते हैं वीडियो के एंड में। बढ़िया, मेरे सर में दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो रहा मतलब? हाँ। कर क्या रहे थे तुम? कुछ नहीं, बैठा था। कितने पिंपल्स हो गए, तो मैंने खाया क्या था? डैंड्रफ खाया था। छी, यक। अंकल? यक बोला मैंने। अच्छा। अंकल को एक कैसे सपने आ रहे हैं तुम्हें? मैं वहाँ जाके डैंड्रफ तो हो गया तुम्हें? बहुत ज्यादा हो रखा है यार, नहाता नहीं हो ना 2-3 दिन, जिस दिन शूट वूट पे जाना होता उस दिन आता हूँ बस। कितनी धूप हो रही है कल? मैं मतलब बोल रही हूँ कि धूप हो रही है। कोई बात नहीं ना, सही है सही है। ओ तुम अकेले अकेले जयपुर घुमाए ना? अकेला थोड़ा गया था, चार क्या बोलोगे, 9 मुस्टंडे साथ में। 9 मुस्टंडे साथ में थे, मुझे पता है ना ये बोलोगे। अरे चलेंगे ना हम अलग से घूमने चलेंगे यार, अच्छा नहीं लगता ना फिर। ये तो है। हाथों को देखना सफेद।
क्या देखो हाथ में? नींद आ रही है मुझे, सो जाओ। बट और कैसा रहा? क्या इतने दिन कैसे टाइम पास करा? बहुत सारे शूट थे, पढ़ाई की, जॉब पे थी। तो सारे क्या बात है, इतनी काम करती हूँ। ये क्या है? क्या ये क्या है? क्या क्या है ये? अब यहाँ क्या है? ये क्या है? What is this? मुझे क्या पता क्या है? ये लंबाइट का निशान लग रहा है मुझे। तो आप खुद ही दिया होगा? ये तो मेरे को मिले हुए हफ्ता हो गया है। तो क्या हो गया? तो हफ्ते से कैसे रह सकता है ये? तो क्या हो गया यार, मेरे को क्या पता, और किसी से थोड़ा लिया मैंने। नहीं मुझे यकीन नहीं है, मेरे दो है नहीं है ये, बिकॉज इतने दिन तक तो नहीं रहता। तो मुझे क्या पता। कोरम आई एम सीरियस। अरे क्या यार, लड़ना है तो वैसे ही, मुझे क्या पता भाई किसका है। क्या ड्रामे है यार ये, व्हाट नॉनसेंस इज दिस। क्या नॉनसेंस? उठो। क्या उठो? पहले मुझे बताइए। अरे क्या क्या है, मुझे तो दिख भी नहीं रहा। फोटो खींचे था ना? क्या है, खुद का होगा? अब मैं खुद तो बुड का भरू ना। फोन तो बजते रहते हैं। हाँ मैंने है? भाई का फोन है, उठा लूं? पहले तुमने ये बताओ ये लंबाई कहाँ से? अरे मेरे को क्या पता यार, वहाँ गए थे घूमने। तो वहाँ गए थे घूमने मतलब? अरे तो उन्होंने यार, दोस्तों ने बोला था कि वहाँ एक थोड़ी अच्छी सी दोस्त बन गई थी, उसने बर्थडे पे दे दी। क्या हो गया फिर, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना, लव बाइट। बहुत बड़ी बात है, स्टे अवे यार। इतना ओवर रिएक्ट करने वाली बात नहीं है। क्या मतलब हद होती है यार, क्या हो गया? अब मैं क्या करूं फिर इसमें? तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। क्या कर सकता हूं मैं? तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, टू बी ऑनेस्ट। बहुत कुछ कर सकता हूं मैं। फिर मजाक। अरे यार अरे हो गया, अब याद नहीं है बर्थडे पे क्या क्या हो गया था। मैं भी अगली बार ऐसे ही करूंगी, मैं भी जाऊंगी और फिर मैं भी ऐसे दो चार लबर की करवा लूंगी, फिर बोलूंगी हो गया। क्या रिएक्ट करोगे तुम? वो तब की तब देख लेंगे। अब मैं और क्या बोलूं, तो गर्मी इतनी हो रही है, फंस गया। किस बात से मत्था खराब हो गया? ये लव बाइट से, इतनी छोटी सी बात से। लव बाइट छोटी सी बात होती है? और क्या होता है? ठीक है मैं भी किसी को बोल देती हूँ, मुझे लव बाइट करो। बोलो क्या खानी है? बहुत फनी है ना, चले जाओ यार। अरे यार और नॉर्मल लिपस्टिक है। अरे हाँ यार, धूप। अरे यार मैं बता रहा हूँ सर, धूप ने दिमाग खराब कर दिया बिल्कुल। मैंने सोचा था कि मतलब इतने दिन बाद मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रैंक होना चाहिए। फक ऑफ, असली लग रही है बिल्कुल, किसी से लगवाई है हाथ से। अबे खरीद लाए हम, पैसे नहीं हमारे पास लिपस्टिक खरीदने के, दाए 20 रुपए की आई थी बस, सस्ते वाली। 20 रुपए की तो नहीं आती। अरे हाँ वही, कितने की भी आई होगी पता नहीं, मैंने बड़े पैसे दिए थे, एक बार उंगली पे लगा के फिर वापस वहीं रख दी, जैसे लड़कियाँ करती है। अब ढूंढ लो जहाँ ढूंढा जाए। मेरे को नहीं ढूंढो, मैं दिमाग खराब कर रहे हो तुम लोग, मुझे पता है इट्स नॉट प्रैंक। अरे सच में प्रैंक, अरे सच में प्रैंक है यार। अरे ढूंढ लो, देखो 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 ना सामने। मतलब नॉर्मल सी बातें भी नहीं दिखती, इतनी छोटी सी बात। मैं
मतलब मैं इतने दिन मैं ढंग से प्रैंक भी नहीं कर पाया, एक तो गर्मी ने दिमाग खराब कर दिया। इतने दिन बाद मैं मिलूं? गाइस अगर मेरी लव बाइट आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आपका मन करे वो कर देना। और कुछ करना है? यकीन नहीं है ना मेरे पे? यही तो दिक्कत हो जाती है भाई। मैं होता ना भरोसा कर लेता कि भाई ऐसा कर ही नहीं सकती बंदी, कुछ मजाक हो रहा होगा। कर ही नहीं सकती हूँ मैं। मैं कर सकता हूँ। क्या भरोसा? क्या ठीक है छोड़ अब, अब बात ही नहीं करनी मुझे, अब बात ही नहीं करनी मुझे। बात ही नहीं करनी।